नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो फाइनली गाइस, नेक्स्ट जनरेशन डिजायर का लेकर आज भाई एक बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में मारुति ने एक नया टीजर लॉन्च किया है इस गाड़ी की। पहले एक टीजर लॉन्च किया गया था जिसमें इस गाड़ी की बुकिंग वो 4 नवंबर से स्टार्ट होना बताया गया था एंड 8 नवंबर उस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च होना वो दिखाया गया था। लेकिन हाल ही में जस्ट अभी एक टीजर आया है जिसमें इस गाड़ी की लॉन्च डेट है वो 11 नवंबर बताई गई है। मे बी वो 4 और 8 नवंबर वाली जो डेट है वो कोलैप्स कर गई है। आपको 11 नवंबर उस गाड़ी को वो लॉन्च किया जाएगा, देन उसी दिन इस गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह वो आ जाएंगी। डिलीवरी वगैरह आपको मे बी 5 से 10 दिन के बाद में वो मिलने वाली हैं। आप आइडिया लगा सकते हो कि मिड नवंबर के आसपास आपको इस गाड़ी की डिलीवरी वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इस गाड़ी में कई सारे चेंजेस मारुति ने वो किए हैं। 11 नवंबर अभी कन्फर्म है कि 11 नवंबर को ये गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर वो लॉन्च होने वाली है। मे बी फेस्टिवल सीजन से पहले वो मारुति को लॉन्च कर देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल सीजन पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वो लोग खरीदते हैं धनतेरस वगैरह पे। एंड इस गाड़ी के फीचर वगैरह की बात करें तो कई सारे फीचर फैशन सेगमेंट आपको डिजायर के अंदर मारुति ने प्रोवाइड करवाए हैं। जैसे सबसे पहला है सनरूफ, सेकंड नंबर पर आपको 360 डिग्री कैमरा भी डिजायर के अंदर वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। 4 कैमरा इस गाड़ी के अंदर आने वाले हैं, 2 आपको ORV में मिलेंगी एंड 1 रियर के अंदर एंड 1 आपको आगे की ओर वो देखने मिल जाएगा। अंदर की ओर आपको वायरलेस चार्जर का फंक्शन भी वो नया ऐड ऑन किया गया है। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो पुराने के अंदर आपको 7 इंच वाला मिलता था, अब आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम वो देखने को मिलेगा। बाकी सार्कमी 19 है वो ऐड ऑन है वो कर दिया गया है। बाकी और जो फीचर है वो पहले भी आपको मिलते थे, उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। ये 3 से 4 ऐसे फीचर थे जो आपको पुराने डिजायर के अंदर देखने नहीं मिलते थे। हेडलैम्प की बात करें तो पुरानी भी आपको LED के अंदर मिलते थे, लेकिन वो प्रोजेक्टर वाली थी, अब आपको रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प वो मिलने वाले हैं। फॉग लैम्प की बात करें तो पुराने के अंदर भी आपको फॉग लैम्प मिलते थे, लेकिन वो हैलोजन थे टोपेंट वेरिएंट के अंदर भी, लेकिन अब आपको LED के अंदर फॉग लैम्प वो मिलने वाले हैं। सामने की ओर जो ग्रिल है उसको नया कर दिया गया है, बड़ी साइज के अंदर कर दिया गया है। साइड की ओर बात करें तो अलॉय व्हील आपको पहले भी मिलते थे, अगेन अभी भी मिलेगी, लेकिन जो डिजाइन लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर वो देखने मिल जाएंगे डोर हैंडल्स पे। एंड पीछे की ओर बात करें तो नए LED टेल लैंप आपको मिलने वाले हैं। पुरानी भी आपको पुरानी डिजायर के अंदर भी LED टेल लैंप मिलते थे, बस डिजाइन लैंग्वेज को है वो चेंज किया गया है। पीछे की ओर आपको डिफोगर वो देखने मिल जाएगा। जैसा कि ये सेडान है तो आपको वाइपर नहीं मिलने वाला है। इंटीरियर की बात करें तो आपको डुअल टोन का इंटीरियर वो मिलने वाला है बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में। ऑटोमेटिक एसी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी नए टॉगल्स के साथ में। एंड सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक सीट्स वो देखने मिलेंगे, लेदर राइट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 6 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सामने की बात करें तो क्रूज कंट्रोल, लेदर अप स्टेयरिंग, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग जैसे फीचर आपको इस स्टेयरिंग के अंदर वो देखने मिल जाएंगे। MID है वो सेमी डिजिटल रहने वाली है, फुली डिजिटल नहीं मिलेगी। फुली डिजिटल मारुति किसी भी गाड़ी के अंदर जो MID है वो नहीं आती है। सामने की ओर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वो देखने मिल जाएगा। रोड्स वगैरह पे आपको फैब्रिक पैडिंग वो देखने मिलेगी, लेदर राइट नहीं मिलेगी। रोड्स पे आपको ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल, ORV भी कंट्रोल वो देखने मिल जाएंगे। इस गाड़ी के साथ में नया इंजन भी वो मारुति इंट्रोड्यूस करने वाली है जो 3 सिलेंडर का रहेगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज वो निकाल के देने वाला है। पुरानी के अंदर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला मिलता था एंड इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन वो देखने मिलेगा। सिंगल इंजन ऑप्शन या फिर सिंगल फ्यूल ऑप्शन के साथ में अभी गाड़ी आएगी, पेट्रोल के अंदर ही, डीजल के अंदर नहीं आने वाली है। CNG अभी इनिशियल स्टेज में नहीं आएगी। मैं भी 5 से 6 महीने के बाद में मारुति डिजायर के अंदर CNG वो लॉन्च करने का प्लान बनाएगी। एंड और फीचर वगैरह की बात करें तो इस गाड़ी की मिड वेरिएंट है जैसे VXI, ZXI वो मोस्ट वेलफुल वेरिएंट है वो रहने वाले हैं। 4 से 10 वेरिएंट के अंदर ये गाड़ी आपको देखने मिलेगी, जिसमें LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस वेरिएंट आपको देखने मिलेंगे। VXI और ZXI के अंदर आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के लगभग फीचर वो आ जाएंगे। इसके VXI वेरिएंट के अंदर भी आपको 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ऑटोमेटिक AC मिलेगी, ऑल 4 पावर विंडो, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर मिलेंगे, बस अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे। और जो हेडलैम्प है वो आपको LED के अंदर नहीं मिलेंगे, आपको प्रोजेक्टर बेस LED के अंदर हैलोजन के अंदर वो मिलने वाली है, जो आप आफ्टर मार्केट में वो VXI वेरिएंट के अंदर चेंज वो करवा सकते हो। कुछ वेरिएंट्स की प्राइसिंग जो फीचर लिस्ट है वो लीक हुई है। प्राइसिंग की बात करें तो इनिशियल स्टेज में अभी लॉन्च के टाइम प्राइसिंग इतनी नहीं बढ़ने वाली है, जो अभी डिजायर आ रही है करंट के अंदर उतनी सी प्राइस सेम है वो रहने वाली है। मे भी 5 से 10 हज़ार रुपये का इंक्रीजेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में 1.5 से 2-3 महीने बाद में इस गाड़ी की प्राइसिंग में काफ़ी उछाल वो आने वाला है। लॉन्च डेट के टाइम कंपनियां प्राइसिंग को थोड़ा कम रखने के वो प्रयास करती हैं। अगर गाइज आपका 6 से लेकर 8 लाख रुपए का बजट है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, डिजायर एक फ्रेश लुक के साथ में एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर के साथ में वो आने वाली है। एंड एक रूमर्स ये भी है कि अडास भी इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोवाइड वो करवाया जा सकता है। मैं भी अडास प्रोवाइड करवाया जाएगा तो आपको लेवल 1 का अडास ये इस गाड़ी के अंदर देखने मिलेगा, जिस बजट सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आ रही है लेवल 2 का नहीं मिलेगा। लेवल 1 के अडास के अंदर आपको मिनिमम से फीचर वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी अपने इंडिया में लेवल 2 का अडास सिस्टम वो गाड़ियों के अंदर मिलता है, लेकिन इस बजट सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर किसी भी के अंदर भी आपको अडास वो देखने को नहीं मिलता है। मैं भी आएगा तो फिर धीरे धीरे ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, ब्लेनो, स्विफ्ट जैसी गाड़ियों के अंदर धीरे धीरे बाद में मैं भी फेसलिफ्ट के जरिए वो मारुति लॉन्च वो करने वाली है, क्योंकि मारुति अडास का काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह वो कर रही है जो पुरानी जनरेशन की स्विफ्ट है उसके साथ में।
और फीचर वगैरह इस गाड़ी की बात करें तो सेकंड रो के अंदर आपको रियर एसी वेंट्स वो देखने को मिल जाएंगे एंड बूट के अंदर आपको बूट लैंप जैसे फीचर वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। बूट स्पेस वगैरह लेंथ वगैरह कोई भी बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कलर ऑप्शन के अंदर भी आपको गाड़ी वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, सिंगल कलर के अंदर ही वो आने वाली है, डुअल टोन कलर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस गाड़ी को लॉन्च होने के लिए अभी 10 से 15 दिन हैं एंड इस गाड़ी को लेकर काफी सारे लेकर आना बाकी है। अगर आप गाड़ी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी इस गाड़ी को लेकर कोई बड़ा अपडेट आएगा सबसे पहले मैं अनुराग चौधरी आपको पूरा वो करवाने वाला हूं। तो गाइस मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।